आपका स्वागत है दर एम शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो मैं आपको धीरू भाई अंबानी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपने उनका भी इंटरव्यू लिया हाँ। आ, कैसे थे वो सो so, बहुत इंटरेस्टिंग था आ, आप गुरु देखिए आपने गुरु देखिए इज इट पॉजिटिव करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वैसे मुझे अभिषेक बच्चन इसलिए पसंद है कि अमिताभ बच्चन के बेटे बनना कितना टफ होता है लाइफ में तो मेरा हमेशा उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है जो भी इतने बड़े बर्ग पेड़ होते हैं उसके बीच इसके नीचे एक पौधे को आगे आना तो मुझे अभिषेक बच्चन सिंड्रोम बहुत अट्रैक्ट करता है इस जिंदगी में जो पहला नहीं दूसरा नंबर पे होता है ना वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं मेरा जैसे प्यार उस पे होता है दिल पे लगता है कि कितना टफ है जी जी। तो इसलिए मुझे गुरु में मैं जरा उस बहुत ध्यान से देखी फिल्म पर मैं थोड़ी लिबरल थी उसको सच। पर आई वुड से स्टिल इतना उसने बुरा नहीं किया था पर मैं धीरू भाई अम्बानी की दो तीन बातें इंटरेस्टिंग बताती हूँ बोलो मैम एक तो धीरू भाई अम्बानी जैसे नरेंद्र मोदी है ना ऐसे ट्वेंटी फोर बाई सेवन बिजनेसमैन थे और लगातार उसको वो बहुत इमेजिनेटिव थे उसको बहुत आइडियाज आते थे ये आइडिया वो आइडिया उसको बहुत इंटरेस्ट था कि कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि इंडिया पैसे वाला बन सके क्योंकि कश्मीर बचाने के लिए और कश्मीर हमारा ही है उसके लिए जो हमारे सेना को वहाँ जो खर्चा होता है उसको उसको बहुत चिंता रहती थी मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू जब मैंने ए जी कृष्ण मूर्ति उनके वहाँ एडवरटाइजिंग मार्केटिंग करते थे मुंद्रा करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फाउंडर उसने मेरा फर्स्ट टाइम कराया तो म, वो कोर्ट बिल्डिंग अ, मेट्रो थिएटर के सामने उनकी ऑफिस थी जब धीरू भाई अम्बानी पहले कॉटन का करते थे बिजनेस फिर वहाँ आए टेक्सटाइल में तो ये बहुत सालों पहले के बाद है सो so, छः घंटा बाहर बैठाया था मैं कभी नहीं भूलूंगी पर अंदर फिर जब बुलाया तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था और वो कभी कोई भी सवाल का जवाब देते थे वो हिम्मत वाला आदमी था जिगर कहते हैं ना ऐसा आदमी था उसके पास बहुत ताकत थी और आ, आ, नो होल्ड्स बार इंटरव्यू आप ले सकते थे उसका और धीरू भाई अम्बानी की तो बहुत सारी बातें हैं जैसे मुझे उसकी बहुत याद है बातें कि वो वो असली गुजराती था वो कभी कभी कुछ नहीं बना गुजराती ही था एक नंबर से मतलब उसका खाना पीना उसकी स्टाइल और वो एक्यूटली आज तो ये नीता अम्बानी मुकेश अम्बानी और अनिल अम्बानी सब बात नहीं करते वो सब वो पा, उनके पापा बच्चों इतना बड़ा आदमी था जिसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री और पूरे इंडिया में एक नया दौर शुरू किया वो धीरू भाई अम्बानी एकदम फैमिली मैन था इतना कि मुकेश और अनिल को हर साल ट्रिप पे ले जाना वैकेशन पे ले जाना वैकेशन पे, जाना। वैकेशन पे जाते थे तो खाखरा और गुजराती थेपला सब पैक करना और वो Uh, उनको वो मुझे भी याद है मुझे भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिखाया था जो पिछले पोस्ट कार्ड आते थे याद है उस जमाने में तो वो दिखाते कि यहाँ यहाँ जाऊे यहाँ जाऊछ और बहुत मेरे मेरे हिसाब से मैंने इतना पैसे वाला मैं तो मैं बहुत पैसे वालों को जानती नहीं हूँ पर जितने पैसे वाले जानते हों उसमें मैंने इसके जैसा बच्चों में इंटरेस्ट लेने वाला आदमी फैमिली मैन बहुत कम देखे जितना उसने रिलायंस इंडस्ट्री में ध्यान दिया है उतना बच्चों को भी साथ ले जाना उनका ध्यान उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना उस जमा बहुत मैं बहुत पहले की बात करती हूँ और आ, मुझे बहुत याद है मैं धीरू भाई अम्बानी की ऑफिस जब मेकर टावर गई कोर्ट में से तब भी मैं एक बार मिली थी मेका टावर नरिमन पॉइंट तो मेका टावर थ्री आई थिंक तो उसमें मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी और मेरे ख्याल के लिए था या के लिए याद नहीं है तो तब ये दोनों भाई आए थे रूम में आप मिले थे मुकेश हाँ, मुके, और जब वो दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे हाँ और मुकेश का और अनिल अंबानी का अभी उस जमाने के इंटरव्यू मेरे पास है कॉपी है दोनों अच्छा? की। कैसे थे वो तब बहुत फैमिली मैन थे नहीं नहीं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बहुत फैमिली टाइप पापा से एकदम अभिभूत और पर धीरू भाई बहुत डिफरेंट आदमी था गजब का आदमी आ गया जब हम इनफ लिखा नहीं गया है उसके अंदर की बातें उनके आसपास की एनर्जी कैसे थी एनर्जी धीरू भाई की मेरे ख्याल से तो ये, मुकेश ने तो इतना बड़ा किया तो रिलायंस को वो पचास सौ गुना बना दिया पर आ, मैंने ख्याल से मैं धीरू भाई को नसीब से सब मिला ऐसा नहीं मानती हूँ मुकेश का तो भी, भी मानती हूँ कि मुकेश का नसीब बहुत अच्छा था वैसे मैं मुकेश अंबानी को नहीं जानती हूँ लेकिन धीरू भाई अम्बानी को मैं कह सकती हूँ जब भी मैं मिली मैं उससे ज़्यादा गुजराती मिडिल क्लास को इम्प्रेस करने वाला कोई दूसरा आदमी देखा नहीं है मैंने मैंने फोर्टी फाइव ईयर्स गुजराती समाज में रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं नहीं मानती किसी ने इतना इम्प्रेस किया है वो आदमी ने सबको सब कुछ बदल दिया मिडिल क्लास गुजराती को और एक बात बताती हूँ मुझे बहुत सारी दी भाई ये छोटी छोटी बातें पता है कि अबर होटल में उनकी एक परमानेंट रूम भी थी और वहाँ पे वो अटल बिहारी वाजपेयी लेफ्टिस्ट लेफ्ट के केरल और कलकत्ता से लेफ्ट uh, के लिए मार्क्सिस्ट लीडर्स धीरू भाई को मार्क्सिज्म में बहुत इंटरेस्ट था मतलब जानने में और आ, आ, सब बीजेपी के नए नए लीडर्स उस वो भी नरेंद्र मोदी को जब नरेंद्र मोदी महामंत्री थे जनरल सेक्रेटरी गुजरात के जानते थे फिर आ, मैं तो बहुत सारे इतने सारे एडिटर्स की बातें जानती हूँ जो उसको मिलने जाते थे धीरू भाई को शाम को बैठक करने की बहुत आदत थी और धीरू बहुत वेल इन्फॉर्म रहते थे क्योंकि पूरे देश के हर एक टाइप के पॉलिटिशियन ये समाजवादी मुलायम सिंह यादव और सब उनको मिला और अटल बिहारी वाजपेयी और धीरू भाई भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और अच्छे अच्छे इकोनॉमिक टाइम्स का कोई एडिटर मुझे याद नहीं है उस जमाने में कि जो धीरूभा से इन्फ्लुएंस न हो और आ, इ, इस देश में जर, जर्नलिस्ट को आ, गिफ्ट देना ये रिलायंस की साड़ियाँ फिर डीएम के वहाँ तमिलनाडु में भी स्टार्ट किया था पॉलिटिक्स जर्नल ने जर्नलिस्ट को देना और उसी समय यहाँ हम जर्नलिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साड़ियाँ देते थे रिलायंस वाले विमल साड़ी विमल ब्रांड था उनका तो इन शॉर्ट धीरूपाने ने हैड अ वेरी बिग कैनवास ऑफ लाइफ वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स वेरी मच डेबलिंग इन पॉलिटिक्स ऑल्सो और बहुत कम मैंने एक अच्छा इंसिडेंट उनका लिखा है जो कम लोग जानते हैं कि जूनागढ़ में आज़ादी के समय जूनागढ़ पाकिस्तान में जाने वाला था और उसकी लड़ाई चल रही थी तब धीरूभा स्ट्रीट फ, मोर्चा होता है ना कि जूनागढ़ गुजरात में ही रहना चाहिए पाकिस्तान नहीं जाना उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था hmm. जो आदमी बाद में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला hmm. था पर आपसे भी कम उम्र में जब थे तब वो करे थे एडन जाने के पहले सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द दर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ओ बाइफ़ स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अप स्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आएँ आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी ओ टीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट बी योर बाय सेल्फ स्किलाउस फॉलो आवर YouTube चैनल फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS कभी उन्होंने आपसे क्रिमिनल्स के बारे में पूछा काफी दिल्ली में भी मुझे किसी कोई मुझे रिस्पेक्ट भी कभी जो मैंने इतनी मेहनत करी थी मैं दिल्ली गई मैं जब दिल्ली गई तब मैंने ये जितने अपने सवाल पूछे सब कर लिया था दिल्ली जाने के पर दिल्ली में मुझे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा है ना कभी कोई रिस्पेक्ट दिया ना कोई अच्छी जॉब दी दिल्ली में पर उसका कारण क्या है कि लोग गुजराती समझते नहीं थे तो किसी ने पढ़ा ही नहीं था धीरू भाई ने मुझे ये पूछा कि नहीं वो बात इसलिए इरेवेंट होती है मैं उसका कारण बता दूँ कि आई मैरिड अ पर्सन हु वॉज ऑलरेडी अ बिग लीजेंड ही वॉज अ वन मैन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कांति भट्ट तो हमारी शादी ही इतनी अनोखी थी जिसका मुझे आई वुड से मैंने ऐसे इसलिए नहीं किया था पर मुझे लाभ मिला कि कांति भट्ट फेमस है तो, तो जब वो मुझे मिलते थे तो वो कांति भट्ट शीला भट्ट सोच के मिलते थे और उसको पता था कि मैं इतना क्राइम का रिपोर्टिंग जबरदस्त करती हूँ उस सब पर सबसे ज़्यादा अच्छा रिपोर्टिंग अगर आप क्वालिटी वाला पूछे तो मैंने गुजर, गुजराती नहीं बॉम्बे के समाज का किया है मैंने बॉम्बे पे बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग किया मैम एक बहुत क्रेजी चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि इसी शहर में रहकर एक दाऊद इब्राहिम भी निकल सकता है और द्रुवाई अंबानी भी निकल सकता है वो चॉइसिस के ऊपर है और ह्यूमन नेचर के ऊपर है इसलिए मैंने आपको द्रुवाई अंबानी के बारे में पूछा इस पॉडकास्ट में कि कोर में इट्स प्रॉब्ली गुड एंड बैड राइट मतलब एक का दिल साफ है, साफ है, दूसरे को हम मुंबई वाले लगते थे एक दूसरे को बहुत मजा आता था जब भी मिलो उसको बहुत जानने मिलता था उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत रहती थी दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ